In the meantime, let's shift focus now where India has now become more strategically confident and proactive in creating, developing a Bharat narrative. And surprise, this is now coming from an article that has been written in China's Global Times. And the surprise which is actually coming across, because China has been always critical when it comes to India's development here, Global Times article now seems to mention and have been praising India's significant strides in spheres of economic, social, governance and foreign policy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. A prominent state-run Chinese media outlet, jiski taraf se ek article pen kiya gaya hai, ek likha gaya hai ye article. Aur Rishabh, kafi hairani ki baat ho rahi hai, kyunki is article mein Bharat ki tarif ki gayi hai. Well, definitely, ये देखा जाए generally जो Global Times का take होता है India पे, जब भी ग्लोबल टाइम्स का इंडिया पे लेख होता है वो जनरली हॉकीशाही होता है, बट दिस टाइम अराउंड वी हैव सीन देयर इज अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड इंडिया फ्रॉम द चाइनीज माउथपीस, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट. एंड दिस शोकेसेस दैट हाउ द नैरेटिव दैट इंडिया इज बिल्डिंग, द भारत नैरेटिव इज ग्रोइंग प्लेसेस, एंड इवन द ग्लोबल पावर्स आर नाउ लुकिंग एट इट इन अ डिफरेंट वे. एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पर अगर चीन भी अगर भारत की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, और स्पेशली अगर बात करें ऋषभ, पिछले 10 सालों में आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है बताया जा रहा है, इसे हाईलाइट किया गया इस आर्टिकल में. बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से बात की गई, जिस तरीके से कहा गया है कि इंडिया जो है अपने यू नो ग्लोबल ड्वार्फिज्म से आगे बढ़ करके इंडियन डेमोक्रेसी को एंड इंडियन वे ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, वो काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है ग्लोबली लोगों को. और इसी का नतीजा है कि हमने ग्लोबल टाइम्स में भी देखा कि जो एक ऐसा पब्लिकेशन जो इस आर्टिकल में भारत को बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज ये कहा गया है, ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है जो चीन में छपता है. धन्यवाद आपका ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए.